नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जूलॉजी के पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपका तैयार हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक सभी लोग जरूर देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी का जो पाठ्यक्रम है इसका जो पेपर टाइटल है वह है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टस डिसीजेस। ये 75 मार्क्स का आपका रिटर्न मोड में पेपर होता है। दोस्तों जिन भी छात्र छात्राओं का मिड टर्म एग्जाम लगा हुआ है, तो मिड टर्म में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक मैं बता दे रहा हूं, पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, जूलॉजी में पूरा आपका 8 यूनिट है, यानी पूरे पाठ्यक्रम में कितने यूनिट्स पढ़ने हैं आपको, 8 यूनिट, और इन 8 यूनिट से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चूज किया है जो रिपीटेड हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो पूरे यूनिट्स के सबसे BBIP प्रश्न होंगे। 2023 में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये क्लास आपको देखना पड़ेगा भाई, पूरा का पूरा। अगर आप इस वीडियो को तैयार करेंगे तो आप टॉप करेंगे, ये 100% है अपने सब्जेक्ट में। दूसरा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यानी NEP के अंतर्गत ये क्लास है। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, कि ये हमारे लिए है या नहीं, तो आपको बता रहा हूँ नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम सभी का सेम हो चुका है लगभग ऑल विश्वविद्यालय में। ओके चले, तो दोस्तों आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे हम पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन ए और बी में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, डिफाइन सेल थ्योरी, गिव मॉडर्न विजन ऑफ सेल थ्योरी। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अब जिनका मिड टर्म एग्जाम लगा हुआ है वो कोशिका सिद्धांत जरूर तैयार कर लेंगे, सेल थ्योरी तैयार कर लेंगे, और सेल थ्योरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन मिड टर्म वाले नोट कर लें भाई, कौन सा, सेल थ्योरी, ठीक है। और सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ये दोनों आप तैयार करेंगे। दूसरा आप क्या नोट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, ठीक है, ये दो टॉपिक अभी आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लॉन्ग टर्म के एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है, वो आपको क्या है, कोशिका सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, नए कोशिका सिद्धांत का विवरण दीजिए, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, जो कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न से आप लोग अवगत हो चुके, ये पहला प्रश्न आपको तैयार करना है। इसका मैं सॉल्व पेपर भी आपको कराऊंगा, इस बार मैं यूनिट बाय यूनिट स्टार्ट कर चुका हूं। आज मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट यूनिट के प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद में प्रत्येक यूनिट के टॉपिक, और उसके बाद महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसमें प्रत्येक यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके चले, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जो आपको तैयार करना है वह है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया, ठीक है। माइटोकांड्रिया को हिंदी में कहते हैं कणांग, क्या कहते हैं, कणांग कहते हैं। तो जिनका मिड टर्म एग्जाम है वो फिर से तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, और तीसरे पॉइंट में आप क्या नोट करेंगे, माइटोकांड्रिया के टॉपिक को, ठीक है। हो सकता है माइटोकांड्रिया का टॉपिक भी पूछ लिया जाए। दोस्तों मिड टर्म के लिए एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं, मिड टर्म के एग्जाम में दो यूनिट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग के दो यूनिट से, और कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि हाफ पाठ्यक्रम से लास्ट के दो यूनिट से पूछ लेते हैं। यानी कि जैसे 8 यूनिट है तो शुरुआती के या तो दो पूछेंगे या तो फिर लास्ट यानी कि थर्ड और फोर्थ के पूछ लेंगे। फिलहाल आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के प्रश्नों को तैयार करना है, यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, और 100% में बता दूँ आल विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विशेषकर माइटोकांड्रिया
क्या होती हैं और माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ये आपको 10 नंबर देगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चले तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एटीपी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी क्या होती है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको। ये क्वेश्चन है, एटीपी की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो एटीपी का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्या होता है एटीपी पूछ लेता है आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में क्या होता है एटीपी पूछ लेगा कि एटीपी क्या होती है, ठीक है। तो आपको एटीपी का फुल फॉर्म और एटीपी होते क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, इसका यानी महत्व क्या है, ठीक है, या आवश्यकता इसकी क्या है, ये जरूर आप तैयार करेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्लाइकोलाइसिस सबसे महत्वपूर्ण है और फिलहाल ये वेरी शॉर्ट टाइप का टॉपिक है, लेकिन अब इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है क्योंकि ये रिपीटेड है, हर बार पूछा जा चुका है विश्वविद्यालय में, लगभग सभी विश्वविद्यालय में। तो ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक को भी आपको तैयार करना होगा। क्या ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो पा रही हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके बता दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है, ठीक है, आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी विषय से संबंधित या आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित, पेपर टाइटल से संबंधित या पेपर पैटर्न से संबंधित, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेश्चंस को पूछें, 100% मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके चले आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा प्रश्न आपका है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेलिजियम ऑफ फैगलियम, ठीक है, सिलियम और फैगलियम के आपको क्या बताना है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताना है। तो सिलियम और फैगलियम इनके अत्म सूक्ष्म संरचना का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न है और इसमें ये दोस्तों सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, अवध विश्वविद्यालय में भी आया था, CCS यूनिवर्सिटी में भी आया था, कानपुर विश्वविद्यालय में भी पूछा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं या फिर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीलियम और फैलेजलियम, ठीक है, इनके आपको आत्मसूची संरचना का वर्णन करना है, तो ये आप विशेषकर तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। चले आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है कंपेयर द मिटोसिस एंड मियोसिस, 100% ऑल विश्वविद्यालय में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके तो या तो आपसे वेरी शॉर्ट इन सेक्शन ए में पूछेगा कि मिटोसिस और मियोसिस होते क्या हैं, जिसे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है, जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते क्या हैं। कभी कभी इनमें तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाता है कि इनमें कंपेयर करिए या डिफरेंस बताइए। ओके तो आप मिटोसिस और मियोसिस, जिसे समसूत्री और दूसरा क्या है अर्धसूत्री विभाजन, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है और डिफरेंस जरूर आप तैयार कीजिएगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको जरूर तैयार कर लेना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको तैयार करना है डिस्क्राइब द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA। देखिए यहाँ पर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पूछा गया है किसका, DNA का। तो DNA का आपको क्या तैयार कर लेना है, स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। और एक क्वेश्चन और है जो लॉन्ग टाइप में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, DNA का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूछ लेता है व्हाट आर DNA, डिस्कस द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। ओके तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे और वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी तैयार करेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और कॉमन है जो पूछा जाता है DNA और RNA से, ठीक है, DNA और RNA, इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, DNA और RNA में क्या अंतर है, ये जरूर पूछा जाता है। तो
तो अंतर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां आपका प्रश्न है, डिफाइन द हेरिडिटी, जिसे अनुवांशिकता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अनुवांशिकता के टॉपिक को भी आप क्लियर करके जाएंगे, आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां प्रश्न आपका है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हेरिडिटी। ठीक है, सेक्सुअल और कभी कभी असेक्सुअल भी पूछ लेता है कि अनुवांशिकी में लैंगिक जनन का क्या योगदान है। यहाँ पर लैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अलैंगिक पूछ लेता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आप याद तैयार करेंगे तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों आपको तैयार करके जाना है। दोनों में से एक पूछ सकता है। अब मैं ये नहीं कंफर्म हूँ कि हाँ यही पूछा जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों आपको तैयार कर लेना है। चले आगे बढ़ें, इतनी चीजें क्लियर हैं। 10 क्वेश्चन में बता चुका हूं, 9 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 10वां प्रश्न अब ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडलिज्म के सिद्धांतों का की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। मेंडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल के जो मेंडल थे, उन्होंने एक मटर था, ठीक है, पी मटर के दाने पर उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, तो मेंडल के सिद्धांत क्या थे और उसकी जो उपयोगिता है दैनिक जीवन में, इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर आपको यहाँ पर विवेचना की करना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, रिपीटेड हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। जिन छात्र छात्राओं ने कम्प्लीटली अध्ययन किया होगा पूरे पाठ्यक्रम का, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो अभी तक हमने 10 प्रश्न की चर्चा किया और ये 10 प्रश्न जो थे दोस्तों, ये आपके शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप के थे, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे लॉन्ग टाइप के प्रश्नों पर। लॉन्ग टाइप यानी कि सेक्शन सी, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है लॉन्ग टाइप का, व्हाट आर मल्टीपल एलील्स, डिस्कस देयर कैरेक्टर्स। बहुविकल्पीय जीन कहते हैं मल्टीपल एलील्स को, हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुविकल्पीय जीन कहा जाता है। तो बहुविकल्पीय जीन क्या होते हैं ये बताना है, इनके गुणों पर प्रकाश डालिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक पर या इनके कैरेक्टर्स पर आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है या फिर प्रकाश डालना है। हिंदी में कहेंगे तो प्रकाश डालना और इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, डिस्कस द कैरेक्टर्स। ठीक है, किसके कैरेक्टर्स, मल्टीपल एलील्स यानी बहुविकल्पीय जीन के। तो ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एलील्स या एलील से क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो लॉन्ग टाइप का ये पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, हॉटेस्ट सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देखिए डिस्कस यहाँ पर था, ठीक है, डिस्कस द सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस यानी लिंग सीमित लक्षण क्या है। लिंग सीमित लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण पूछ लेता है। ठीक है, तो लिंग सीमित लक्षण क्या होती हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी पूछा जा चुका है जो कि लॉन्ग टाइप का प्रश्न रहा है। ओके चले, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चले क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लॉन्ग टाइप का तीसरा प्रश्न, व्हाट आर सेक्स लिंक्ड लिंकेड जीन, लिंग संलग्न जीन क्या होते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है लिंग संलग्न जीन, सेक्स लिंकेड जीन। ओके, तो सेक्स लिंकेड जीन जो होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। और आप क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए, जो भी प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। लगभग लगभग 3 वर्षों के आपको 2021 22 और 23 सत्र के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, जो प्लेलिस्ट में दिया गया है उनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ओके, तो उनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया कमेंट ऑन द फॉलोइंग पार्टिसिप। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है यानी लॉन्ग टाइप का ये चौथा प्रश्न है, और अगर ओवरऑल की बात करें तो ये 14वां प्रश्न है जिसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है जीआरडिया।
ठीक है, पूछ लेता है राइट शॉर्ट नोट ऑन जीआरडिया और दूसरा पूछ लेता है टाइपनोसोमा। ओके, तो दोनों तैयार कर लेना है, टाइपनोसोमा और जीआरडिया के टॉपिक को, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, हिंदी में से समझ लेते हैं। हिंदी में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला दिया गया है जीआरडिया और दूसरा दिया गया है टाइपनोसोमा। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बीबीआईपी प्रश्न के नाम से भी नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, आपका अब हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है लॉन्ग टाइप के प्रश्न पर। ठीक है, चार क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में जो मेंशन थे वो मैंने आप लोग को पहले बता दिया है। अब हम इसमें लॉन्ग टाइप के यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, डिफाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने से पहले मैं आपको बता दूँ, सभी भी जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइप का एक प्रश्न, कुछ भी ना तैयार हो लेकिन मेरा लॉन्ग का एक क्वेश्चन तैयार हो, यानी जब आप पेपर देने जाएं तो आपके माइंड में यह ना आए, आप यहीं से कॉन्फिडेंस बना के जाएं कि हमारा एक प्रश्न लॉन्ग टाइप का तैयार है। वो कैसे तैयार होगा? वो तैयार इसलिए होगा, जो मैं ये पहला प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ ना, डिफाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। अगर आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया, ठीक है, तो 100% किसी भी विश्वविद्यालय से हो, ठीक यही प्रश्न आएगा। और 15 नंबर का ये प्रश्न है आपका, कितने नंबर का? 15 नंबर का ये प्रश्न है। तो आपको अगर 15 नंबर चाहिए, तैयार करना है कि अगर आपका पेपर कंप्लीट अच्छा जाए या लॉन्ग टाइप का मेरा प्रश्न तैयार हो, तो आप इस प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक संरचना, ठीक है, रासायनिक संरचना संगठन एवं कार्यों के उल्लेख कीजिए, प्लाज्मा झिल्ली को प्रभाषित कीजिए। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली के रासायनिक संगठन एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए और प्लाज्मा झिल्ली को प्रभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सोसाइटिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्स्ट्रासाइटोसिस क्या होती है और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को एनालिसिस करेंगे, इन दोनों को अध्ययन करेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे, तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और जब भी डिफरेंस पूछे तो लगभग लगभग 5 अंतर आप जरूर बताइए, 5 डिफरेंस दोनों में। किसी भी क्वेश्चन में अगर अंतर पूछा है तो 5 अंतर आप बताने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है लॉन्ग टाइप से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकांड्रिया। कणांग की संरचना, कार्य एवं रासायनिक संगठन का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कणांग के बारे में, कि कणांग यानी माइटोकांड्रिया, शॉर्ट वाले सेक्शन में भी मैंने माइटोकांड्रिया पर चर्चा की थी। तो अगर ये लॉन्ग टाइप से पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, किस तरह से? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर पूछेगा, फिर फंक्शन यानी कार्य पूछेगा, फिर केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन पूछेगा। ठीक है, इसमें 3 स्टेप में इसका आंसर आप करेंगे। ओके, तो ये कम्प्लीटली आपको तैयार करना है और यह भी आने की संभावना है लॉन्ग टाइप से। चलें, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, गिव एन अकाउंट ऑफ अकाउंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाई जब भी बात हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये मैं आपको बता दूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग टाइप के प्रश्न की दृष्टि से, क्योंकि लॉन्ग में खूब पूछा जाता है मित्रों। ओके, तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य और इसकी संरचना जरूर तैयार करनी है। ये चौथा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीबीआईपी प्रश्न है और 2024-23 और 24 सत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, 5वां प्रश्न जो है वह है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम। राइबोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपसे शॉर्ट टाइम में भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट टाइप का भी प्रश्न है, तो राइबोसोम के टॉपिक को भी तैयार कर लेना है। 6ठा प्रश्न है,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिस्क्राइब इन डिटेल वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए की क्या करना है आपको, संरचना का वर्णन करना है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था डीएनए का मॉडल वो आपको बताना है। जैसा कि मैं इस पर आपको पहले भी बता चुका था कि डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल खूब पूछा जाता है और ये लॉन्ग टाइप से अगर पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसमें स्ट्रक्चर यानी फिगर आपको बनाना होगा। ओके, अब आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न का अंदाजा लगा सकते हैं कितने स्टेप में। पहला तो है डीएनए की संरचना, पहला स्टेप हो गया। दूसरा वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रतिपादित जो मॉडल, दूसरा स्टेप। तीसरे इसकी वाटसन जो ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, उसकी संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी तीन स्टेप में आपको इसका आंसर देना है, तब आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो पहला तो जो मैंने बताया था, पहला लॉन्ग टाइप का दो प्रश्न आप लोग तैयार कर सकते हैं, 100% कन्फर्म मैं बता दे रहा हूँ सभी विश्वविद्यालय में। पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को जो मैंने बताया था, दूसरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल अगर आपका तैयार है तो लॉन्ग का आपका क्लियर है। ठीक है, दो ही प्रश्न आपको हल करने हैं और ये दो तैयार हैं, 30 नंबर आपके यहीं पर कंफर्म हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिस क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए स्टेट एंड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए के रासायनिक संगठन का वर्णन कीजिए, विभिन्न प्रकार के आरएनए के कार्य को बताइए। ठीक है, अब इसी में डीएनए भी मेंशन हो सकता है, तो डीएनए से संबंधित एक प्रश्न मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है, अंतर तो आप सबको पता है कि पूछा जाएगा, अंतर तो पूछा जाता ही रहता है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जिसमें राइट एंड एसे ऑन सेल साइकिल, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र पर क्या करना है, एक निबंध आपको लिखना है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेल साइकिल पर एक निबंध लिखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये वेरी शॉर्टकट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा इस बार आपके एग्जाम में। अगला जो आपको तैयार करना है वो है डिस्क्राइब द मेंडल्स मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस इट्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेंडल के प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए तथा उनके अनुवांशिक नियमों को बताइए, यह भी इम्पॉर्टेंट है। मेंडल्स के प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड प्रश्न है आपका। ओके, तो आपका ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हालांकि पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के संतुलन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ सेक्स लिमिटेड जीन या सेक्स कैरेक्टर लिमिटेड। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो तैयार करना है वो सेक्स डिटर्मिनेशन तैयार करना है, बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि 100% कन्फर्म नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पूरे पाठ्यक्रम के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न भी आपको तैयार करके जाना है। चले अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वह है व्हाट इज द क्रॉस इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब द मैकेनिकल एंड इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन मेन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्रिस क्रॉस वंशानुगत से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशानुगति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस केवल एक बार पूछा गया है, अभी तक का केवल एक ही यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछी है, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। अगर आप इसको नहीं तैयार कर सकते हैं तो मत कीजिएगा, कोई इस कंफर्म नहीं है कि ये आएगा, हालांकि मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट मेरा कर्तव्य है कि आपको बताना कि आप एक भी प्रश्न ऐसा ना रहे जिससे आप अवगत ना रहें। ठीक है, ये बहुत ही कम पाठ्यक्रम का मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए कैरियोटाइप्स, डिस्क्राइब द नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप एंड डिस्कस द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, कैरियोटाइप से आप क्या समझते हैं, कैरियोटाइप से आप क्या समझते हैं,
एक सामान्य मनुष्य के कैरियोटाइप का वर्णन कीजिए तथा इसमें लिंग गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। दोस्तों अभी तक तो ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, ठीक है, और लॉन्ग टाइप में ही पूछा जाना चाहिए, तो कैरियोटाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। लॉन्ग टाइप में मैं बार बार इतने प्रश्न को मेंशन कर रहा हूँ, 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर जितना भी मैं बता चुका हूँ, अगर इतने आपको तैयार हैं तो यही 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। ओके, तो कैरियोटाइप के टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है व्हाट आर सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? डिस्क्राइब द डिफेक्ट एसोसिएट विथ डाउन सिंड्रोम एंड एक्सप्लेन हाउ डज डाउन सिंड्रोम डेवलप। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब डिफेक्ट एसोसिएट विथ डाउन सिंड्रोम एंड एक्सप्लेन द डाउन सिंड्रोम डेवलप, यानी किस प्रकार से। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि सिंड्रोम क्या है, फिर आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम होते क्या, इसको एक्सप्लेन करिए, और इसके बाद में बताइए कि डाउन सिंड्रोम कैसे डेवलप होता है, इसकी भी विवेचना करनी है। और लगा के क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ केस ऑफ क्रोमोसोमल डिसीजेस इन मेन। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न रहा है, हिंदी में था कि सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम क्या है, क्वेश्चन आपका दिया गया था कि सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम से संबंधित त्रुटियों का उल्लेख कीजिए तथा समझाइए कि किस प्रकार से सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है वो विकसित होता है। अथवा दूसरा प्रश्न ऐसे और लगा के पूछा जाता है, या तो आप ये करिए, देखिए कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूजन होता है इनको कि और लगा के, और अथवा लगा है या और लिखा है इसमें, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि आप चाहे इस क्वेश्चन को कीजिए चाहे इस क्वेश्चन, केवल एक ही प्रश्न करना है इन दोनों में से। ओके चले, तो अगला प्रश्न था कि मनुष्य में गुणसूत्र के अनियमितताओं के प्रकार तथा इनके कारण का उल्लेख कीजिए, यह आपका नेक्स्ट प्रश्न था। ठीक है चले, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रिप्नोसोमा, व्हाट डिसीजेस इट केस, डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस डिसीजेस। यहाँ पर है कि ट्रिप्नोसोमा की संरचना एवं जीवन इतिहास का वर्णन कीजिए, या कौन सा रोग उत्पन्न करता है, या कौन सा रोग उत्पन्न करता है, और इस रोग से बचने के लिए उपाय, जो बचने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए, यह आपको बताना है। ट्रिप्नोसोमा आपसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में भी, और लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ठीक इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला प्रश्न, जिसमें 15वां प्रश्न है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियम की संरचना तथा इनके उदाहरण को बताइए। आपको क्या तैयार करना है, प्रोकैरियोटिक को इसका, यहाँ पर जिसमें सेल की चर्चा मैंने की थी, सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप्स आप पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक है, इन सेल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये 15 प्रश्न थे लॉन्ग टाइप के, ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न मेंशन हैं, तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस हैं। ये 30 प्रश्न है जिसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, इन तीनों प्रश्नों को मैंने समूहित किया था इस वीडियो के अंतर्गत। अगर इतने प्रश्न आपके तैयार हैं, भाई आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, विगत 3 वर्षों से मैं आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास ये है जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं या हमारे क्वेश्चन बताए गए क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, बताए गए क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, वो लगभग लगभग दोस्तों 85% रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो आप सब अगर ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैं बताते चलता हूँ, अगर इस क्रम में इस क्वेश्चन को तैयार कर ले जाते हैं, तो 100% दोस्तों आप इस सब्जेक्ट में टॉप करोगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा इस वीडियो से जो आपको बाहर मिल जाए एग्जाम में। ओके, ये मेरी गारंटी है। पूरा पाठ्यक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। बाकी रही बात इनके सॉल्व पेपर की, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय सॉल्व पेपर है, सर सॉल्व पेपर भेजिए। इसका सॉल्व पेपर मैं जल्द ही, यानी कि अगर हो सकेगा तो आज क्लास के बाद या फिर मॉर्निंग तक मैं आपको इसका सॉल्व पेपर और इसके ये इस क्लास का पीडीएफ, ये दोनों टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा SPS Study Point का प्ले स्टोर से।
ठीक है। एसपीएस स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको ऐप मिल जाएगा, जहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकता है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो टेलीग्राम पे आप जाएंगे और सर्च कर लीजिएगा एसपीएस स्टडी पॉइंट, ठीक है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जो बार बार मैं बोलता हूँ आप सबके लिए, और यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।